कभी कोई पड़ती है मेरी यहाँ पे रात को बोधन दे रहा है। तो गैस आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को अंधेरे में व्लॉग क्यों बना रहा हूँ। द स्काई इज क्लियर और क्लियर स्काई में स्टार्स आर शाइनिंग लाइक डायमंड्स इन द स्काई। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बिकॉज इट्स टू डार्क आउटसाइड एंड टू लिट ओवर हियर। इमरजेंसी के लिए आई गॉट दिस। आई होप अब दिखे। सो गाइस इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग और मुझे सुबह होने से पहले पहले इन क्लास को कैप्चर करना है बिकॉज आई यू नो पूरी रात में जागा हूँ इसके लिए। तो द थिंग इज़ कि अभी आज रात को हुई थी बारिश, उसकी वजह से देर इज़ सम पावर फेलियर इन द होल नेबरहुड, उसकी वजह से पूरा अंधेरा है, इट्स ऑल ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट जब हो, बारिश हो एंड द स्काई इज़ क्लियर, दैट इज़ द बेस्ट कंडीशन टू टेक एस्ट्रो फोटोग्राफी। एंड आई हैव, मतलब मेरे को एडिक्शन हो चुकी है एस्ट्रो फोटोग्राफी बिकॉज अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, अच्छा लेंस है, इफ़ यू हैव अ फुल फ्रेम कैमरा एंड अ नाइस अपर्चर वाला लेंस, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट यू नीड स्किल्स फॉर दैट एज वेल। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, यू नो यू नीड टू डू द राइट सेटिंग्स। तो आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आई मेक श्योर दैट जितनी मेरे को नॉलेज है मैं पूरी आपके साथ शेयर करूँ। सो आई एम गोना टीच यू हाउ टू कैप्चर दी स्टार्स। देखो ऐसे स्टार्स नॉर्मल क्लिक करना इज़ वेरी ईजी। कैमरे से मैं नॉर्मली ऑटो मोड पर भी क्लिक करूँगा, इट विल कैप्चर ऑल दी स्टार्स। उल्टा ज़्यादा ही स्टार्स कैप्चर करेगा जो दिख भी नहीं रहे हैं। बट अगर मैं मैनुअल मोड पे करूँगा, मैनुअली मुझे बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी सो दैट आई कैन क्लिक दो स्टार्स जो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं। कभी कभी पड़ती है मेरे यहाँ पे रात को बहुत अंधेरा है। सो आई नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस कैमरा टू दिस GoPro छोटू वाला कैमरा एंड आई होप ये इसकी इतनी लाइट हो कि ये कैप्चर कर ले सारी चीज़ें। इस कैमरे पे आई नीड टू शूट दी स्टार्स। तो गाइस कैमरा सेट हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले हमको शटर प्रायोरिटी पे सेट करना है हमने उसको। सो वी नीड टू चेंज द शटर स्पीड। यहाँ पे शटर स्पीड है ये, सो इसको हम करेंगे 15 सेकेंड पे लाइक दिस। इसको यहाँ पे हम कर देंगे लॉक। शटर स्पीड को करेंगे 15 सेकेंड पे आई एस ओ को बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। तो विल कीप आर आई एस ओ एट 100। विल टेक अ टेस्ट शॉट। आई थिंक इट लुक्स गुड बट दैट्स नॉट डन। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज f/2.8। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। सो जितना कम फोकल लेंथ होता है उतना ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है लेंस। 2.8 इज अ वेरी नाइस फोकल लेंथ फॉर नाइट फोटोग्राफी और लो लाइट सिचुएशंस। 15 सेकेंड शटर स्पीड मीन्स कि आपका कैमरा का शटर 15 सेकेंड के लिए ओपन होता है। सो दैट मीन्स कि 15 सेकेंड लगते हैं इसको फोटो लेने में। इफ़ यू ओपन कैमरा ऑन योर फोन, तो फोन में अगर आप फोटो लेते हो तो यू जस्ट क्लिक इट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फोटो आ जाती है। बट अगर आपको रात को बिल्कुल पिच डार्क में कुछ फोटो लेनी होती है एंड यू वॉन्ट लाइट, और शटर ज़्यादा टाइम के लिए खोल के रखना पड़ता है ताकि जो आपका सेंसर है कैमरा का वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके शटर में। मुझे टेक्निकल लैंग्वेज में ये सब नहीं पता कि कैसे करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जितनी ज़्यादा देर शटर खुला रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब करता है। सो मेरा जो कैमरा है दैट इज़ अ फुल फ्रेम कैमरा, मतलब मेरे कैमरे का फ्रेम साइज बड़ा है। सो दैट इज़ द बेस्ट फ्रेम साइज यू कैन गेट इन एनी कैमरा। सेंसर साइज जितना बड़ा हो तो कैमरे का सेंसर उतनी लाइट एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल पिच डार्क सिचुएशन में भी ये कैमरा जो फोटोज़ लेते हैं वी कांट इवन सी, उतने डार्क में देख भी नहीं सकते जितने में ये फोटो ले लेते हैं। सेकेंडली इसका जो लेंस है इट इज़ अ 17mm वाइड ओपन, मतलब पूरा वाइड एंगल लेंस है। सो दैट इज़ अ बेस्ट लेंस फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। थर्ड थिंग इज अपर्चर, दैट इज़ f/2.8। इट इज़ जितना कम हो उतना ज़्यादा नाइट फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होता है। अब हमको इसके अंदर सेटिंग्स चेंज करनी है। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है, शटर स्पीड मैंने चेंज की है एंड ISO चेंज की है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ विल चेंज, ऑटो फोकस को चेंज करते हैं, विल गो फॉर मैनुअल फोकस। कैमरे की बैटरी भी कम है, ठीक है मैनुअल फोकस पे आ गया कैमरा। हमको कुछ सेटिंग्स चेक करनी है कैमरा की। क्या सेटिंग्स चेंज करनी है मैं बताता हूँ आपको। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन ऑफ, हाँ अगर ये यूजुअली लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन ऑन रहती है लोगों की, ये ऑफ करनी है आपको। हमको ना एक वो भी ऑफ करना है यार, स्टेबिलिटी वाला ना जो होता है ना ऑटो स्टेबलाइजर वाला, वो स्टेडी शॉट जो है, मतलब जो इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन होती है IBIS, कुछ कुछ कैमराज में होती है, दिस कैमरा हैज़ दैट, तो इसको भी ऑफ करनी पड़ेगी। आई थिंक वी आर डन। अभी हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले आपको फोकस चेंज करना है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, हमको सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार
अपना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, तो वी नीड टू फोकस ऑन द ब्राइटेस्ट स्टार। सो ये आई होप यू कैन सी दिस, अगर आप देख पा रहे हो गए, यू कैन सी दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार ओवर हियर, ये वाला जो स्टार है दिस वन इज़ द ब्राइटेस्ट। अब हमको इस पे फोकस करना है, ये वो फोकस लूज़ हो गया है हमको। अब यहाँ पे 2 mm लिखे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आएगा, तो जैसे इन्फिनिटी का साइन आएगा उसी पे हमको रोक देना है, हमको उसके आगे बिल्कुल नहीं जाना है। देयर वी गो, गाइस जस्ट हियर द नॉइस। Trust me guys, mornings are really beautiful. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि sunset जैसा beautiful कुछ भी नहीं है, but trust me, mornings are more beautiful than sunsets. Just listen to the birds chirping. मतलब मेरी पूरे 360 degree गूंज रही है भाई birds की। It's just so beautiful, man. अभी हमने एक बहुत ही बढ़िया टाइम लैप्स लिया, नाइट चेंजिंग टू डे टाइप का कुछ लिया, क्योंकि ऐसे तो मैंने स्टार्स का लेना था मूव होते हुए, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज दिन हो गया एंड स्टार्स गायब हो गए, तो कुछ बढ़िया से बन नहीं पाया क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। यू जस्ट हैव अ वेरी स्मॉल विंडो अगर आपको वैसे शॉट्स लेने हो तो, मिस जेट टूडे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड वैसे भी क्लाउड्स आ गए थे, बट वी हैव एन अमेजिंग टाइम लैप्स कमिंग फॉर यू गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर टाइम लैप्स ले लगा के रखा हुआ है, सो इसमें बहुत ही बढ़िया टाइम लैप्स आने वाला है। मैंने एक्चुअली टाइम लैप्स लगाया था सनराइज़ का, बट सनराइज़ तो हुआ नहीं, बादल बादल आ गए हैं, सन दिख नहीं रहे कहीं पे। आई थिंक सन को निकलने में टाइम है काफ़ी, इसको उतार देते हैं बिकॉज आई नीड टू स्लीप यार, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइज यू नो सम एस्ट्रो फोटोग्राफी। सो मैं इस कैमरे को निकालता हूँ, अभी आपको बहुत ही बढ़िया टाइम लैप्स आने वाला है। उससे पहले लेट मी टेल यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ टिल हियर, एंड मेरे बाकी वीडियोस भी देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो देयर इज अ लाइक बटन डाउन बिलो, लाइक कर दो बढ़िया सा, ऐसे करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको कैसी वीडियोस पसंद आ रही है, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी डू लेट मी नो प्लीज। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, एंड ये आया आपके सामने बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा टाइम लैप्स।